तो सबसे पहले हमारे को आज समझना है आज की क्लास में कि धर्म क्या है। तो सनातन धर्म क्या है, हम लोग बहुत बार जब मंदिर में जाते हैं सब लोग बोलते सनातन धर्म की जय। पर सनातन धर्म क्या होता है, हम लोग सोचते हैं जहां पर बहुत सारे देवी देवता होते हैं उसको सनातन धर्म बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो पढ़ते हैं जरा पेज नंबर 45। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंसान की भी बताया था कि इंसान क्या होता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है, कुछ काल तक रहता है, अपने जैसे कुछ डुप्लीकेट्स बनाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, बूढ़ा होता है, क्षीण होता है और ख़त्म हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे वह इस शरीर का दृष्टांत हो या फल का या किसी अन्य वस्तु का। किसी भी चीज़ का क्या है, कोई भी चीज़ पहले फल भी क्या होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसमें से और बीज निकलते हैं तो बूढ़ा होता है और वो खत्म हो जाता है। फूल भी ऐसे ही होता है। इस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल, इटर्नल मतलब जो कभी नहीं मरेगा। तो एक और प्रकृति है, कौन सी प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, जो सनातन है मतलब इटर्नल है। यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, खत्म। वहां पे सब कुछ क्या है, जो मैंने कल बताया था, क्या है, हमेशा रहने वाला। वहां पे कोई चीज मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, इसलिए क्या कहलाती है वो चीज, वो क्या है, इटर्नल। जीव भी सनातन है, आत्मा भी सनातन है ना, कोई मरती नहीं है। और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है, हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूपों से एक हैं, सनातन धर्म, सनातन ब्रह्म तो सनातन जीव एक, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है। सनातन मतलब, सनातन मतलब जो कभी ना मरे, शाश्वत। सनातन मतलब जो कभी ना मरे, जो कभी खत्म ना हो। तो जैसे सनातन धाम गोलोक वृंदावन जो पिछली बार बताया था, सनातन ब्रह्म जो भगवान से शरीर से निकला हुआ त्रेज है, ब्रह्म ज्योति, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। सनातन जीव मतलब हम आत्मा, हम भी कभी नहीं मरेंगे। अतएव गीता का सारा अभिप्राय सनातन धर्म को जागृत करना है। तो गीता का क्या, गीता का पर्पस क्या है, इसी ना मरने वाले धर्म को जागृत करना, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। वृत्ति मतलब नेचर है, क्या है, धर्म। सनातन धर्म हर जीव का नेचर है। जैसे अग्नि का नेचर क्या होता है, जलाना या गर्मी देना, रोशनी देना, ताप या रोशनी। जल का नेचर क्या है, जल का धर्म क्या है, तरलता, शीतलता, तरलता, तरलता है ना। जल का धर्म क्या है, तरलता। अग्नि का धर्म क्या है, ताप और रोशनी। वैसे ही हम जीव का धर्म क्या है, जीवेर स्वरूपे हुए नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है हमेशा भगवान का नित्य दास होना, कॉन्स्टेंट इटर्नल दास बने रहना, सनातन। हम अस्थाई रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। अभी हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, मगर अगर हम वो काम करना शुरू कर दें जो भगवान ने बोला है, जो भगवान ने कहे हैं, तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। यही शुद्ध जीवन कहलाता है।
लोग तो जीते ही नहीं है, हाँ कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं और लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं। तो जब हम अपने कर्मों को शुद्ध कर लेते हैं भगवान के अनुसार, तो वो जीवन जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका नित्य धाम, ये दोनों सनातन है। भगवान और उनका धाम क्या है? सनातन है। जीव भी सनातन है, सोल भी क्या है, आत्मा भी क्या है, वो भी नहीं मरती, वो भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। थोड़ी हिंदी टफ है इसकी, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि ना भगवान के धाम में जब एक जीव अपने परम परमेश्वर भगवान कृष्ण से मिल जाता है, उनकी सेवा में लग जाता है, तो सनातन भगवान सनातन धाम में सनातन जीव के साथ जब मिल जाते हैं तो ये सनातन धर्म है। सनातन धाम में सनातन जीव जब अपने सनातन परमेश्वर की सेवा में सनातन लग जाता है, इटर्नल लग जाता है, तो क्या बन गया? सनातन धर्म। जब तक मैं और मेरा रहेगा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मैं यूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, जब ये रहेगा तब तक हम भगवान के साथ नहीं मिलने वाले। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु है क्योंकि उन्हीं से निकले सारे जीव। आत्मज मतलब मेरे से, आत्मा मतलब मेरा, मतलब अगर सपोज भगवान बोलेंगे तो भगवान बोलेंगे मेरे से ही निकले हुए आत्मज है ना जन्म। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम् बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों को उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? भगवान किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्टताम दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की संस्थापना करने के लिए, स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे मैं बार बार युग युग में जन्म लेता हूँ, मैं आता हूँ। संभवामी जन्म नहीं लिखा, क्या लिखा है? संभवामी मैं आता हूँ, बार बार हर युग में आता हूँ। संभवामी युगे युगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मगर भगवान ने एक राज की बात नहीं बताई। अगर किसी को मारना हो तो भगवान के लिए कितनी बड़ी बात है? वो तो उनके कोरोना वायरस से मार देगा। इसका मतलब भगवान मार रहे तो नहीं आ रहे पक्का। कंस को ही मारने के लिए भगवान को जन्म लेना होता तो उनको उसको एक अच्छा वाला वायरस भेज देते, तब भी मर जाता नहीं। तो किसी को मारने के लिए भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए वो तो अपना दूत भी भेज देते तो भी बचा सकते थे। भगवान के बहुत सारे दूत जीवों को बचाने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए तो प्रभुपाद, गुरु नानक, इस तरह के बड़े सारे आचार्य भेजते रहते हैं, बड़े सारे गुरु महाराज भेजते रहते हैं जो धर्म की संस्थापना करते हैं। फिर भगवान का आने का पर्पस क्या था?
ये तीनों बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, है ना। ये तीनों बातें तो भगवान किसी एजेंट को भेज के भी कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़ा एजेंट ये कोई भी काम करने में सक्षम है। भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत थी। तो भगवान आगे भगवद गीता बताते, मैं एक्चुअली आता हूँ आपको ट्रेलर दिखाने के लिए मूवी का। कौन सी मूवी? गोलोक वृंदावन की मूवी। वो कोई और नहीं कर सकता, मेरी माखन चोरी लीला यशोदा मैया के साथ कोई और थोड़ी ना कर सकता है, है ना। मेरे जो मटकी फोड़ी लीला है वो भी कोई नहीं कर सकता। जो कालिया नाग को जब मैंने उनके सर पर डांस किया तो कोई और नहीं कर सकता, है ना। जब मैं रन छोड़ करके भाग गया था वो कोई और नहीं कर सकता। ये लीलाएं तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। राधा रानी के साथ जो लीलाएं वो मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। वो कोई वायरस नहीं कर सकता, वो कोई भी धर्म जो उनके जो जैसे प्रभुपाद जैसे वो नहीं कर सकते। तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, ये लीला दिखाने आते हैं और हमें बताने आते हैं कि देखो गोलोक वृंदावन में, अभी तो मैं सिर्फ ट्रेलर दिखाने आया हूँ, एक्चुअल मूवी तो गोलोक वृंदावन में है। अगर आपको इन लीलाओं को समझना शुरू कर दे, तभी भगवान ने क्या बोला है, जन्म जन्म कर्म च मैं दिव्यम, जो मेरे जन्म कर्म बहुत दिव्य है और जो इनको समझ जाता है वो मेरे धाम वापस आ जाता है। अब बहुत सारे लोग तो अपनी गंदी नजरों से भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश करते हैं, गंदे मन से सोचने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो गंदे ही होएंगे। बहुत सारे लोग टीवी सीरियल देखना शुरू कर देते हैं, अरे राधा कृष्ण वो टीवी सीरियल आ रहा है वो देखना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं वही भक्ति है, अरे वाह ये तो भक्ति है। वो भक्ति नहीं है भाई, वो भक्ति नहीं है, वो आपका एंटरटेनमेंट शो है जिसके अंदर उसके अंदर जान बूझ के उसके अंदर मिर्च मसाला टीआरपी रेटिंग लाने के लिए उन्होंने उसके अंदर मिर्च मसाला डाला हुआ है। अरे ये लोग जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं सब दारू वारू पीने वाले लोग हैं, कहाँ भगवान को समझेंगे। भगवान को समझ, भगवान ने कहा बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि देवता का मुझे नहीं समझ सकते हैं, जो सिर्फ शुद्ध भक्त है मेरा से वो मुझे समझ सकता है। और जो एक हाथ में कलम ले रहा है और दूसरे हाथ में ग्लास लेके बैठ करके पैसा कमाने के लिए टीआरपी रेटिंग के लिए सीरियल बना रहा है वो भक्त शुद्ध भक्त थोड़ी ना है। इसकी वजह से जब वो सीरियल बनाते हैं तो लोग और ज्यादा एथिस्ट हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा भगवान को ना मानना शुरू कर देते हैं। तभी तो इतने चैनल है आज के हालत देखो, टीवी में कोई कंसंस्कार चैनल, ये चैनल वो चैनल, दबा के चैनल भरे पड़े धर्म के। और बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत धार्मिक है, क्या करते हैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक हमारे यहाँ तो ये कोई दिव्य है कोई इतने क्या क्या संस्कार ये चैनल चलाते जी, हमारे तो सारा दिन प्रवचन, तुम्हारे को फिर शाम को ग्लास लेके बैठ गए। जब सारा दिन संस्कार चैनल से अगर आपके अंदर परिवर्तन आया होता तो फिर ये मारा पीटी क्यों हो रही है घर में, फिर चीखा चिल्ली क्यों हो रही है भाई घर में, फिर ये रोज ग्लास कर लेके क्यों बैठ जाते हो रात को। भक्त तो ऐसा होता है जिसको भक्त के दर्शन करके भी लोग अपने सारे कलमश छोड़ देते हैं, लो जी हमने आज सिगरेट पीनी छोड़ दी, आज से हमने अपनी दारू छोड़ दी, सिर्फ भक्त के दर्शन मात्र से। प्रभुपाद कितनी जगह ऐसा हुआ कि प्रभुपाद ने कहीं प्रीचिंग नहीं करी, बस प्रभुपाद का जैसे तो ना एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जाने के लिए प्रभुपाद को बीच में किसी एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा, प्रभुपाद वहां रुके हुए एयरपोर्ट पर, जैसे ना वो एरोप्लेन में फ्यूल वगैरह रिफ्यूलिंग वगैरह होती है तो पैसेंजर्स को एक बार लंबी फ्लाइट्स में रोक देते हैं बीच में कहीं पर स्टेशन आता है तो रिफिलिंग वगैरह हो रही होती है प्लेन की, तो प्रभुपाद वहाँ पर रिफिलिंग किसी पे है। प्रभुपाद ने एक बिजनेसमैन को देखा, प्रभुपाद के दर्शन करके उसके अपने सारे मन के कलमश दूर हो गए और उसके बाद आज उसने फिनलैंड की बात बता रही हूँ, आज उसने वहाँ पर 7 मंदिर बना दिया। उसको प्रभुपाद ने कभी उसको हरे कृष्णा भी नहीं बोली। एक और किस्सा सुनाती, अभी मैंने मायापुर में सुना था, एक माता जी बता रही थी अपना किस्सा सुना रही थी, बोले जी मैं बूढ़ी तो बहुत बूढ़ी माता जी हैं तो बोले जी मैं एयर हॉस्टेस थी, तो एयर हॉस्टेस थी तो हमने जैसे सबको सर्विंग करते हैं तो क्या हुआ कि एक स्वामी जी आए और स्वामी जी का उनके साथ उनका एक शिष्य भी था,
तो बोले जी हम ये सब नहीं खाएंगे, हम ना अपना बना के लाएंगे, हम ये खाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने उनको कुछ खाना सर्व किया, उन्होंने वो खाया और बोली वो प्लेट में अंदर ले गई, जैसे था ना वो डिस्पोजेबल प्लेट्स थी, तो वो फेंकने के लिए इन्हीं के पास आती है, एयर हॉस्टेस के पास। एयर हॉस्टेस वहाँ पर बोली कि ना मेरा पहली बार ऐसा हुआ कि ये मैं खा लूँ, झूठा मैं खा लूँ। बोली पता नहीं मुझे क्या हुआ था और मैंने क्या किया, वो जो झूठा था उस प्लेट में मैंने खा लिया, और उसके बाद से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उस स्वामी जी को ढूंढना शुरू हो गई। मैंने हर जगह उनको ढूंढा, कौन थे वो जो उस दिन भगवा वस्त्र पहन के आए हुए थे, कौन थे वो, कहीं पता नहीं चला मुझे। मैं अपने देश वापस चली गई, मैंने एयर हॉस्टेस की जॉब छोड़ दी बहुत सालों बाद। और मैं ना अपने आप ही कहीं से मुझे पता चला, तो मैंने कहीं से पकड़ कर पता नहीं जैसे किसी से पता चला, तो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू कर दिया, 16 माला। किसी ने नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं करा, हरे कृष्ण महामंत्र मैंने 16 माला करना शुरू कर दिया। एक दिन बहुत सालों बाद, 20 साल 15 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक बुक के पीछे मुझे उन्हीं की फोटो नजर आई और मेरे दिमाग में छपी हुई थी फोटो उनकी, वो छवि मेरे को, यही तो थे वो, कौन है ये, कहाँ है ये, तो पता चला प्रभुपाद जब तक जा चुके थे, तो प्रभुपाद है। और फिर उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, पता किया इस कहाँ से आई बुक, किसने करी, उस पर लिखा हुआ था, फिर वो आ गई, अफ्रीका की थी, अफ्रीका की एयर हॉस्टेस थी और वहाँ पे अब वो बहुत बड़ी प्रीचर थी। बोले प्रभुपाद से मिले बगैर, किसी के बताए बगैर मैं हरे कृष्ण महामंत्र की माला करना शुरू हो गई थी, सिर्फ प्रभुपाद का वो प्लेट का झूठा खाके। ये होते भक्तों के दर्शन। लोग टीवी सीरियल देख देख के पता नहीं क्या 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 सुनते रहते हैं, और पूछो भगवान का नाम क्या है, कुछ पता नहीं है। एक बार क्या हुआ मेरी सोसाइटी में, क्या बोल रही, हाँ फॉलो भी वही कर रहे हैं, पहना भी वही पहन रहे हैं, तो संस्कार चैनल को फॉलो, संस्कार देख रहे हो बट असंस्कार के साथ आप और कुछ बहुत कुछ देख रहे हो। और संस्कार में भी क्या है, सब कहते दूध हमारे शरीर के लिए पूरा पोषण रखता है, हाँ या ना, अगर दूध पी लिया जाए तो हमारा किसी चीज की कमी नहीं होगी, मगर अगर वो दूध सांप चख जाए, तो फिर क्या होगा, वो एक एक बूंद दूध की विष बन जाएगी। बिल्कुल वैसे ही भगवान का हरि नाम, ये भगवत गीता भागवतम सब क्या है, दूध है। मगर जब कोई वक्ता पैसा कमाने की मेंटेलिटी से उसको बोलता है तो वो सांप के चखे में दूध के समान है। इसकी वजह से वो कभी भक्त नहीं बनाते। एक बार मेरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा भागवतम का आयोजन हुआ, उस बंदे ने करीबन 25 लाख रुपए लगाए हुए थे भागवतम के आयोजन पे, 7 दिन का भागवतम करा रखा था, 25-30 लाख उससे भी ज्यादा ही लगाए हुए होंगे। रोज नीचे मेरी घर के नीचे हो रहा था, रोज नीचे अडंबर हुआ करते थे, कभी वो सज के आ रही है, कभी मटकियां उठा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बारात सज के आ रही है, आज रुक्मणी विवाह है, पता नहीं क्या 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 क्या, कितने अडंबर हो रहे थे। अच्छा, मेरे को जब इनविटेशन आया तो माता जी आप आइएगा, आप तो कृष्ण भक्त हैं, हमने सुना है, आप तो जरूर आइएगा, बिल्कुल आइएगा। अच्छा जी, अब मुझे पता नहीं चाहे अडंबर हो रहा है, मगर फिर भी लास्ट सेकेंड लास्ट डे उनमें से एक ने मेरे को मिले लिफ्ट में, तो मुझे बोले कि हमने तो सुना था आप कृष्ण भक्त हैं, आप तो भागवत में एक भी दिन नहीं आई। लास्ट डे मैंने सोचा कि इन सबको बुरा लग रहा है, मैं चली जाती हूँ, तो मैं चली गई। ऑलमोस्ट लास्ट राउंड पहुंची, थोड़ा दर्शन बड़े ओहो करके सुना रहे, बड़ी पीछे गाना वो ट्यून चला रखी और पीछे क्या 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 हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सारे झूम रहे, क्या भाई।
जब पूरी खत्म हो गई तो उसके बाद मैंने जो उनके बहुत सारे लोग थे उनसे पूछा एक करके कि भाई अपने 7 दिन के भाव, अरे माता जी 4 बजे शुरू होती थी शाम को, हम 4:45 आके बैठ जाते थे। वेरी गुड। और जैसे होता ना 4 से 7 हुआ करती थी, 7 बजे के बाद प्रसाद होता था, तो जैसे भागवत में बैठे होते 40 लोग, प्रसाद में होते 400 लोग, पूरी सोसाइटी आई हुई होती थी। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 40 लोगों ने सुनी। तो मैंने 40 लोगों से पूछा, भाई अच्छा आपने 7 दिन की भागवतम सुनी, भागवतम का इतना डीप में सुना, भगवान कौन है? कोई मान लो जी अपनी इच्छाएं, जिस मर्जी को भगवान मान सकते हैं, भगवान तो अपने मन के अंदर होते हैं, नहीं क्या क्या बकवास कर रहे। एक ने भी नहीं बोला कि कृष्ण ही भगवान है, जबकि भागवतम के पहले श्लोक से लेकर आखिरी तक वासुदेव 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 भरे पड़े श्लोक। तब भी 7 दिन की इतने 25-30 लाख 40 लाख रुपए लगाने के बाद, सारे आडंबर करने के बाद भी एक भी इंसान को पता नहीं चला कि भगवान का नाम क्या है। तो ऐसी भागवतम कराने का फायदा क्या हुआ? तभी कहते हैं वैशैले दूध के समान है, और बल्कि जितने लोग गए वहां से जो अगर कृष्ण भक्त हो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे नहीं नहीं सब कुछ है, सबके समान है, ये तो ये है वो है। वहां पे बड़े सुंदर सुंदर मेकअप करके लेडीज आती थी, बड़े सुंदर सुंदर डांस करती थी, है ना। तो ये जो सभ्यता है ये विषैले दूध की सभ्यता है। जिन्होंने एक्चुअल भगवत गीता और भागवतम कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने एक्चुअल भगवत गीता भागवतम पढ़ ली होती तो उन्हें कभी कंफ्यूजन होती ही ना। प्रभुपाद कह रहे, एक बार प्रभुपाद के पास आए कि भाई भगवत गीता ही क्यों पढ़े, हम अपनी बाइबल पढ़ ले। तो प्रभुपाद ने कहा उतना ही पढ़ लो भाई, तो भी तुम भगवान को जान जाओगे, भगवान को समझ जाओगे। तुम बाइबल ही पढ़ लो, पढ़ो तो सही। तुम कुरान पढ़ना चाहते हो, कुरान तो पढ़ लो, और टेररिस्ट बन जाते जिहादी, जिहाद नहीं लिखा है, सिर्फ ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिहादी है हम तो। तो जितनी भी ग्रंथ है ये पंखा झेलने झिलाने के लिए नहीं बने हैं, ना चुचकार करके कपड़े बंद करके रख के यूं यूं करने के लिए, वो किस लिए बने, लिपिबद्ध किए गए किस लिए, ताकि हम उनको पढ़कर अपना जीवन सुधारें। ये धर्म है। तो जिस भी धर्म में हम हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम हिंदू हैं, कोई भी है, हम सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। क्योंकि सनातन धर्म कितना पुराना है, सनातन काल से है, इटर्नल है। सिख धर्म कितना पुराना है, 500 साल पुराना है। मुस्लिम कितने साल पुराने हैं, 1400 साल पुराने हैं। क्रिश्चियन कितने साल पुराने हैं, 2020 हुए अभी। बुद्धिज्म कितना साल पुराना है, 2500 साल पुराना है। जैनिज्म बुद्धिज्म, भगवत गीता कितने साल पहले बोली गई थी, 5000 साल पहले बोली गई थी। और ये भगवत गीता में भगवान ने खुद चौथे अध्याय में बोला है कि ये ज्ञान मैंने सूर्य के देव विवस्वान को दिया था। और सूर्य देव तो रामायण से भी पहले थे, क्योंकि राम रावण के युद्ध में भी सुबह और रात दिन और रात हुआ करते थे, होते थे ना दिन रात होते थे, सूर्यदेव तो थे, सूर्यवंशी थे राम जी, है ना। तो वही श्वाकु वंशी में सब नाम आया है उसमें। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, भगवान ने ज्ञान उनको दिया था, मैं धीरे धीरे खत्म हो गया, इसलिए भगवान मेरे दोबारा देने आए। धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म को दोबारा संस्थापन करने के लिए, दोबारा बताने के लिए आए भगवान। चैतन्य महाप्रभु उसको प्रैक्टिकल समझाने आए माता जी। भगवान कृष्ण जब आए तो बोल गए सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि भई मेरी एक शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर सर्वधर्मानुपरित्यज्य, कैसे छोड़ दे सब कुछ, पति धर्म पत्नी धर्म बेटा धर्म, ये कैसे छोड़ दे सब कुछ। तो
उसको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उन्होंने भक्त का रूप लिया ताकि खुद भक्ति करके दिखा सके, देखो भक्ति ऐसे होती है। दिव्यांगों भगवान आप तो बोल बोल गए, प्रैक्टिकल था ही नहीं है, कैसे करें, खुद करके दिखाओ तो जाने। भगवान बोले अच्छा ठीक है, मैं खुद करने आता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण खुद बिल्कुल हमारे तरह बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और खुद भक्ति करके उन्होंने दिखाई कि देखो ऐसे भक्ति की जा सकती है। नहीं तो हम भगवान क्या बोलते, गीत तो सुना दी, वो तो आपने कुरुक्षेत्र की भूमि में बस बैठ के थ्योरी सुनाई थी, प्रैक्टिकल कहां करके दिखाया। तो भगवान ने क्या करा, पिछले चैतन्य महाप्रभु ने देखो ये प्रैक्टिकल है और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम नहीं कुछ याद कर सकते, तुम्हें तुम्हारे बस की नहीं 200-500 श्लोक याद करना, एक ही श्लोक याद कर लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी तो हमारे इतने जीभ में छाले हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना तो अभी हमारे मुंह से कृष्ण कृष्ण नहीं निकल रहा होता, ये मेरी स्थिति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।